हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुब नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम कैंसर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि सेकंड पार्ट में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि कॉजेस ऑफ कैंसर या फिर कैंसर के कारण क्या क्या होते हैं। तो हम यहां पर आज की क्लास में देखेंगे कि जो कैंसर है वो किन किन कारणों से किसी व्यक्ति में हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी भी कारण से भी होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब अननोन भी होता है, कोई रीज़न भी नहीं होता है फिर भी कॉज कर जाता है। तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस कारण से हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा कॉज होता है वो होता है जेनेटिक। अब जेनेटिक से हम क्या समझते हैं, जेनेटिक मतलब क्या होता है, अनुवांशिक होता है। हो सकता है पिछले किसी भी व्यक्ति को, हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकते हैं, कोई भी सिंड्रोम हो, डाउन सिंड्रोम हो सकता है या फिर कोई भी अदर सिंड्रोम हो, तो उस सिंड्रोम के कारण, कैंसर सिंड्रोम भी हो सकता है, तो उस सिंड्रोम के कारण अदर जो पीढ़ी होती है उसको ये कैंसर जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट हमने कॉज देखा कि जेनेटिक होता है। इसके अलावा जो हम सेकंड देख रहे हैं, कैंसर सिंड्रोम। कैंसर सिंड्रोम मतलब कोई भी सिंड्रोम हो सकता है। सिंड्रोम मतलब एक हमारा डिसीज़ के अंदर ही आता है, सिंड्रोम और डिसीज़ में डिफरेंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिंड्रोम हम देख रहे हैं, तो कैंसर सिंड्रोम भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल एजेंट। अब फिजिकल एंड केमिकल एजेंट से हम क्या समझते हैं कि जैसे कि फिजिकल या फिर केमिकल एजेंट की बात करते हैं, जैसे कि कई लोग ज़्यादा सन एक्सपोजर में रहते हैं, मतलब सन के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, तो जो हमारी रेडिएशन होती है, जो सन की रेडिएशन होती है, वो हमारे सेल जो टिश्यू को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। तो उस कारण से भी हमारे बॉडी में हो सकता है, तो ये फिजिकली केमिकली बोल सकते हैं कि कोई केमिकली सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम स्किन में यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई अदर भी रीज़न हो सकता है। जैसे कि अभी हाल ही में यहाँ पर हमारे पास न्यू अपडेट आया है कि लिपस्टिक के कारण भी कैंसर, माउथ कैंसर की समस्या होती है, क्योंकि लिपस्टिक में भी कुछ केमिकल ऐसे एजेंट पाए जाते हैं जिस कारण से माउथ कैंसर जैसी समस्या होने के चांस रहते हैं। तो इस तरह से हम फिजिकल एंड केमिकल एजेंट भी देख लेते हैं कि फिजिकल या केमिकल रीज़न भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग से भी हमारी जो सेल होती है, जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स जैसे कि डैमेज हो जाते हैं, वहाँ की सेल्स जो मर जाती है, जल जाती है, डैमेज हो जाती है, तो ये भी स्मोकिंग भी क्या है, एक कैंसर का कारण है। नेक्स्ट हम देखते हैं मटेरियल्स हो सकते हैं, कोई भी मटेरियल्स के कारण भी हमारे बॉडी में कैंसर जैसी समस्या हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ स्टाइल बहुत सी बीमारियों को बुलावा देती है और बहुत सी बीमारियों को भगाया भी जा सकता है। तो लाइफ स्टाइल भी बहुत डिपेंड करती है किसी भी बीमारी के लिए, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही बुलावा देती है बीमारी को कि आ जाओ मेरे शरीर में। तो यहाँ पर हम लाइफ स्टाइल की बात कर लेते हैं। लाइफ स्टाइल में जैसे कि ज़्यादा, एक तरह से बोला जाए कि ज़्यादा देर तक खाना खाना, तो ओबेसिटी जैसी समस्या हो जाती है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, प्रॉपर डाइजेशन ना होने के कारण अन्य समस्याएं हो जाती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल में हम देख लेते हैं, मान लो उसको टोबैको की आदत है, उसे अल्कोहल लेने की आदत है, उसे ज़्यादा सोने की आदत है, जो कुछ गंदी आदतें होती हैं वो भी एक कारण हो जाता है। कैंसर ही नहीं, अदर बीमारियाँ होती हैं वो भी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्कोहल। जैसे कि हमने लाइफस्टाइल में ही अल्कोहल को ऐड कर लिया था, तो अल्कोहल के कारण भी यहाँ पर जैसे कि लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, तो अल्कोहल के कारण भी कैंसर जैसी समस्या हो सकती है। डाइट प्रॉपर हम ना ले रहे हों, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, हाई लेवल पर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम मात्रा कोलेस्ट्रॉल की ले रहे हैं, या फिर जो हमारे बॉडी के लिए मतलब अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है, जंक फूड हो जाते हैं, जो कि खाने चाहिए, लेकिन अगर कोई भी चीज़ अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो वो एक तरह से टॉक्सिसिटी का काम करना शुरू कर देती है। तो डाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कैंसर के कारण के लिए, कि डाइट अगर प्रॉपर हम नहीं ले रहे हैं, डाइट या ज़्यादा या कम हो रही है, तो उस कारण से भी कैंसर का कारण हो सकता है। ओबेसिटी भी कैंसर का कारण है। अब ये ओबेसिटी कैसे हो सकता है, ओबेसिटी से तो हमने डायबिटीज़ जैसी समस्याएं देखी थी, नहीं, ओबेसिटी के कारण कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि मोटापा भी यहाँ पर, हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के कारण भी हमारे बॉडी में कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्मोन। तो हार्मोनल चेंजेस के कारण, हार्मोन्स के कारण भी हो सकता है, एक्सेसिव अमाउंट में हार्मोन्स जैसे कि
हो रहे हैं बॉडी में, मान लो थायराइड ही हम देख लेते हैं कि थायराइड नॉर्मल, जैसे कि थायराइड बढ़ जाता है फिर ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। ट्यूमर फॉर्म होने के बाद देखो, कई ट्यूमर तो ऐसे होते हैं जो बेनाइन होते हैं और कई ट्यूमर ऐसे होते हैं जो मैलिग्नेंट होते हैं। बेनाइन ट्यूमर की बात कर ली थी कि ओनली ट्यूमर होता है वो कैंसर फॉर्म में नहीं होता, उसे हम इजिली रिमूव कर देंगे तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो कैंसर फॉर्म कर लेता है। तो इस तरह से हार्मोन अगर एक्सेसिव हो जाते हैं हमारे बॉडी में, किसी भी बॉडी के हो सकते हैं, किसी भी ऑर्गन्स की हम बात कर लेते हैं, तो भी कैंसर फॉर्म कर सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन भी एक कारण है कैंसर का। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई इन्फ्लामेशन जैसी समस्या, अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन में भी अगर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है या फिर बहुत लंबे समय से क्रॉनिक इन्फेक्शन है या फिर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, तो सेल्स जो टिश्यू हैं वहाँ पर डैमेज हो जाएंगे, और डैमेज होने के कारण वहाँ पर उसका डिवीज़न होगा सेल का, और वो सेल डिवीज़न जो हो रहा है वो कैंसर सेल कहलाती है। तो हमने पहले ही देख लिया था आपको कैंसर, जो आप वीडियो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि कैंसर क्या है और कैंसर के टाइप क्या है, तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कॉजेस देखने से पहले। नेक्स्ट हम देखते हैं वायरसेस। तो वायरस जो हमारे अदर जो वायरस हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स बोल सकते हैं, फॉरेन वायरस जो हमारे बॉडी में आते हैं वो भी कैंसर का कारण बन सकते हैं। बैक्टीरिया एंड पैरासाइट भी एक हमारे कैंसर का कॉज हो सकता है, इन्फ्लामेशन जैसे कि हमने देख लिया। अब बात आ जाती है रेडिएशन की, रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब रेडिएशन में हम यहाँ पर यूवी रेडिएशन भी देख सकते हैं, यूवी जो रेज होती हैं, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि ज़्यादा सन एक्सपोजर में, जैसे कि कुछ लोग ज़्यादा सन के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, मान लो बोल सकते कि जो लेबर होते हैं, मज़दूर होते हैं, वो कंटिन्यू सन के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस कारण से भी स्किन कैंसर जैसी समस्याएं होने की संभावना हो जाती है। तो यूवी जो रेज होती हैं, जो रेडिएशन होती हैं, वो भी एक कैंसर का कारण हो सकता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन भी कारण है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, रेयर कॉसेस जो हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलता है इस तरह के जो हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं किडनी की बात कर लें या फिर आई की बात कर लें, तो अगर ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तब भी कैंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर सेकेंड पर्सन को इन्फेक्शन है, क्योंकि सेकेंड पर्सन कि जो बॉडी होती है, हो सकता है वो उस जो ऑर्गन हो उसको प्रॉपर अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, प्रॉपर हम अपनी ही बॉडी में उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही है। बहुत ही रेयर ऐसा देखने को मिलता है, जब बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है तो उस कारण से भी कैंसर फॉर्म हो जाता है। तो ये भी हमारा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के कारण भी कैंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट ट्रोमा, अगर कोई इंजरी ट्रोमा हो जाता है या फिर कोई घाव हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये छोटा सा घाव था लेकिन घाव के कारण कैंसर जैसी समस्या कैसे हो गई। कई केसेस आपने देखे होंगे कि मान लो कि उसका ऑपरेशन हुआ था, जस्ट नॉर्मली ट्यूमर हुआ था, छोटा सा फोड़ा फुंसी हुई थी, उसको रिमूव किया, तो बाद में कई सालों बाद, 2-3 साल या 5 साल बाद उसको कैंसर जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। होता क्या है कि कभी कभी इन्फेक्शन वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, या फिर जो हमारे डेड सेल्स होती हैं वो बच जाती हैं वहाँ पर, वो प्रॉपर बाहर नहीं निकल पाती हैं, और वो डेड सेल क्या करती हैं, वो डेड सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो कैंसर सेल का डिवीज़न होना शुरू हो जाता है। तो ये भी हमारा एक कारण होता है कि ट्रोमा के कारण भी कैंसर फॉर्म हो जाता है। हम पर्टिकुलर नॉर्मल जो ट्रोमा हो जाता है, नॉर्मल इंजरी होती है, वो हमारा कैंसर का कारण नहीं होगा। बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि कई केसेस में कि अगर सेल्स वहाँ पर मरी हुई सेल्स, डेड सेल प्रॉपर, या तो वहाँ पर कोई जो भी पैथोफिजियोलॉजी होती है जो नेचुरली होती है, डेड सेल को इनगल्फ कर लिया जाता है, वो ना हो पाए और सेल का कंटिन्यू डिवीज़न हो जाए, तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन। तो मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन भी एक रीज़न होता है कि जो मैटरनल फीटल का जो ट्रांसमिशन होता है मदर का फीटस से, तो ये भी एक कैंसर का कारण हो सकता है। तो ये थे हमारे आज की क्लास में, हमने यहाँ पर देखा कि कैंसर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस क्लास में इसके जो कारण हैं वो बहुत अच्छे समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर सिम्टम पर डिस्कशन करेंगे कि कैंसर होने के बाद उसके बॉडी में सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते, लक्षण क्या क्या देखने को मिलते, कैसे पहचाना जा सकता है कि इसे कैंसर है। तो आई होप कि आपको इस क्लास में कॉजेस
बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।